नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज की कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सारे दोस्तों को एक बार फिर से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप सबका इतना सारा प्यार और सपोर्ट देखकर मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। हमारे कुछ नए दोस्त हमारे इस परिवार से जुड़े हैं, जिनका मैं दिल से स्वागत और धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनके सपोर्ट और उनके इतने सारे प्यारे प्यारे फीडबैक्स और कमेंट के लिए, जिनका नाम है संजू शर्मा, जो कि बैंगलोर से हैं, और दूसरे हैं अनिल जी, जिनका एरिया मुझे नहीं पता। आप सबका मैं दिल से इस परिवार में स्वागत करती हूँ और आप सबको बहुत सारा धन्यवाद। और आप सब से आगे भी मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि आप सब अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी को सुनकर शायद आप सबको भी उस जगह से डर लगने लगे। वैसे तो इस जगह के नाम से ही डर जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसी बातों में नहीं मानते। ये अच्छी बात है, ऐसी चीज़ों में मानना भी नहीं चाहिए जिससे कि मन में डर बैठ जाए। लेकिन एक चीज़ है जिस पर हमेशा विश्वास रखें, वो हैं भगवान, जो कि हमेशा हमारी मदद के लिए होते हैं। आज की कहानी है मुर्दा घर से जुड़ी हुई, और ये कहानी है दिनेश की। दिनेश जो कि एक बहुत ही मेहनती लड़का था, लेकिन उसकी पढ़ाई लिखाई ज़्यादा ना हो पाने की वजह से उसके लिए काम की काफ़ी कमी थी, और वो जहाँ पर रहता था उस जगह पर अब उसके लिए रोज़गार ना के बराबर था। घर की ज़रूरतें ज़्यादा होने की वजह से उसने इस बारे में, मतलब अपनी नौकरी के बारे में, अपने कुछ दोस्तों से बात की। ज़्यादातर उसके दोस्त वहाँ से दूर जाकर, मतलब शहरों में जाकर नौकरी किया करते थे अच्छे पैसे कमाने के लिए, और गांव के मुकाबले में उन्हें शहर में ज़्यादा अच्छे रोज़गार भी मिल जाया करते थे और उनकी तनख्वाह भी काफ़ी अच्छी होती थी। दिनेश ने अपने एक दोस्त से बात किया जो कि कई सालों से शहर में रहकर अच्छी खासी कमाई कर रहा था। दिनेश के परिवार में उसके माता पिता और एक बहन थी जिसकी शादी करानी थी। दिनेश के सर पे इतनी जिम्मेदारियां थीं जिसको उसे पूरा करना था, और इसके लिए चाहिए थे बहुत बहुत सारे पैसे जो कि दिनेश के पास नहीं थे। दिनेश अपने दोस्त सुरेश के पास पहुंचा और उसने सुरेश से पूछा, अरे भाई, तेरी तो कमाई बहुत अच्छी हो जाती है। सुरेश ने तुरंत हाँ में सर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ मेरी कमाई तो बहुत अच्छी होती है, वैसे भी तू देख रहा है ना, मैंने एक साल में ही कितना अच्छा मकान भी बना लिया, और अब तो जल्दी ही मैं मेरी छोटी बहन की शादी भी करवा रहा हूँ। वैसे भी उसके लिए दहेज के लिए जितने पैसे चाहिए थे उससे ज़्यादा पैसे मैंने इकट्ठा कर लिए हैं। ये बात सुनते ही दिनेश के मन में भी अब काफ़ी सारी इच्छाएं बढ़ने लगी। उसने तुरंत सुरेश से पूछा, भाई मेरे लायक भी कोई काम मिलेगा क्या? मैं तो तेरे जितना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन जो भी काम मिलेगा मैं कर लूँगा। कम से कम यहाँ से तो ज़्यादा कमाई होगी, और थोड़े दिन में ही सही, लेकिन मैं भी अपनी बहन की शादी करवा पाऊँगा। सुरेश ने तुरंत कहा, हाँ हाँ भाई, शहर में काम की कोई कमी नहीं होती, तू बिल्कुल चिंता मत कर। मैं कल ही जाकर तेरे लिए बात करता हूँ, और तू परसों वहाँ पर आ जा, मैं पक्का तेरे लिए कोई ना कोई काम ढूँढ कर रखूँगा। दिनेश अब इस बात को सुनकर काफ़ी संतुष्ट था। उसने घर पर भी इस बारे में पहले से ही बता रखा था। आज जाकर उसने सारी बातें
घर वालों को बताई। घर वाले भी इस चीज के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उस गांव के कई सारे लड़के पहले से ही शहर में काम कर रहे थे, जिसके वजह से डर जैसी कोई बात थी ही नहीं। उस वक्त फोन की सुविधा ना हो पाने की वजह से दिनेश तय किए गए दिन पर बिना सुरेश की तरफ से कोई खबर आए हुए तुरंत शहर पहुंच चुका था। उसके पास पहले से सुरेश का पता था, जिससे वो डायरेक्ट वहीं पर पहुंचा और सुरेश भी उसे देखकर काफ़ी खुश हुआ। उसने बताया, भाई तू अच्छा हुआ आ गया, मैंने तेरे लिए बात कर ली है। और नौकरी तो बहुत अच्छी नहीं बोलूँगा, लेकिन पैसे बहुत अच्छे हैं। हाँ, लेकिन ये है, तुझे रात में वहाँ पर काम करना पड़ेगा। इस पर दिनेश ने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, मेरे लिए तो कोई भी काम चलेगा, बस पैसे अच्छे मिलने चाहिए। इस पर सुरेश ने जो पैसे बताए, वो पैसे दिनेश की सोच से ज़्यादा परे थे। उसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके लिए इतनी जल्दी इतनी अच्छी सैलरी वाली जॉब उसके दोस्त ने ढूंढ निकाली है। वो दोनों बात करने के लिए थोड़ी देर में वहाँ पर निकल गए। वहाँ पर पहुँचते ही उन्होंने वहाँ की देख रेख करने वाले इंसान से मुलाकात की और उसने भी वो सैलरी जितनी बताई वो दिनेश के लिए बहुत थी, और दिनेश उस सैलरी को सुनकर काफ़ी खुश हुआ। लेकिन उसने साफ साफ कहा, भाई देखो, तुम्हारा काम यही है कि तुम्हें मुर्दा घर के बाहर पहरा देना है, चाहे जो भी हो जाए, तुम्हें उस मुर्दा घर के अंदर नहीं जाना। और तो और, वहाँ पर तुम्हें रात के 10 बजे से लेकर सिर्फ सुबह के 6 बजे तक ही रुकना है। कोई आए ना आए, लेकिन तुम 6 बजे अपनी शिफ्ट खत्म करके वहाँ से जा सकते हो। ये बात सुनकर दिनेश ने तुरंत हाँ में सर हिला दिया। फिर उस आदमी ने कुछ बातें और बताई और कहा, इन सारी चीज़ों का खास करके ख्याल रखना कि रात के वक्त भी अगर कोई डेड बॉडी लेकर आता है तो तुम उसे लेने से साफ साफ इनकार कर दोगे और उन्हें सुबह आने के लिए कहोगे। ये सारी बातें अब दिनेश समझ चुका था। उसकी ड्यूटी अगले दिन से ही शुरू होने वाली थी और दिनेश ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। वहाँ पर जब वो पहुँचा तो मॉर्निंग शिफ्ट वाला वॉचमैन वहीं पर था और उसने दिनेश को देखकर सबसे पहले उससे उसका नाम, परिचय, सब कुछ पूछा। ये भी जाना कि इससे पहले वो क्या काम करता था, कहाँ रहता था। दिनेश ने सब कुछ बता दिया। उसके बाद उस आदमी ने दिनेश से ये कहा, भाई तुम मुझे इंसान तो बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन तुम क्या सोचकर यहाँ पर आ गए ड्यूटी करने के लिए। दिनेश ने अजीब से चेहरे पर एक्सप्रेशन लाते हुए उस आदमी से पूछा, क्यों, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या हो गया। इस पर उस आदमी ने यही बताया, तुम इस जगह के नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें शायद कुछ पता नहीं है, लेकिन रहने दो, बस कुछ चीज़ों का ख्याल रखना कि यहाँ पर अगर तुम नाइट शिफ्ट कर रहे हो तो चाहे जो भी हो जाए, इस दरवाजे के अंदर बिल्कुल मत जाना। मैं यहाँ से अपनी ड्यूटी ख़त्म करके जाते वक्त ही यहाँ ये ताला लगा कर जाऊँगा, लेकिन ख़ास तौर पर ये ध्यान रखना, ये चाबी मैं तुम्हें दे तो रहा हूँ, लेकिन तुम्हें इस ताले को सुबह 6 बजे से पहले किसी भी हालत में खोलना नहीं है। और वो ये बात जिस तरीके से बोल रहा था, दिनेश को ये चीज़ काफ़ी अजीब लगी, क्योंकि इसी बात पर हर कोई जोर दे रहा था। फिर भी दिनेश ने कोई सवाल नहीं किया, उसने बस हाँ में सर हिलाया, चाबी ली और वहाँ पर अपनी ड्यूटी के लिए बैठ गया। वो आज रात जब ड्यूटी कर रहा था, तब उसे रात में जगने की आदत ना होने की वजह से
बार बार उसे झपकियां आ रही थीं। वो बार बार नींद से झुक जा रहा था, लेकिन उसे नींद ना आए इस वजह से उसने वहाँ पर अब घूम घूम कर चक्कर लगाना शुरू कर दिया। रात के करीब 1:30 बज रहे होंगे, अचानक मुर्दा घर के अंदर से अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मुर्दा घर के अंदर कोई मौजूद हो। ये सारी आवाज़ें सुनकर उसने खिड़की से अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। दिनेश काफ़ी परेशान हुआ। वो आवाज़ें लगातार कुछ घंटे तक आती रहीं और उसके बाद जैसे तैसे वो रात कट गई। दिनेश आज पूरी रात जागा हुआ था। ये पहली बार था जिसके वजह से वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था। सुबह 6 बजे ही मॉर्निंग शिफ्ट वाला वॉचमैन वहाँ पहुँच चुका था। दिनेश ने चाबियाँ उसके हाथ में पकड़ाईं और उसके बाद उससे सवाल करने लगा। भाई, आपसे एक बात पूछूं? उस आदमी ने जवाब दिया। हाँ, पूछो ना, क्या हुआ? इस पर दिनेश ने कहा, यहाँ अंदर से रात में अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर हमने किसी और को बंद कर दिया हो। इस पर उस आदमी ने तुरंत कहा, हाँ आवाज़ें आ रही थी तो तुम अंदर तो नहीं गए ना? तुमने कुछ देखा तो नहीं ना? इस पर दिनेश ने तुरंत कहा, नहीं मैंने कुछ देखा तो नहीं, लेकिन देखने की कोशिश ज़रूर कर रहा था। खिड़की से झांकने की बहुत कोशिश की, लेकिन खिड़कियां अंदर से बंद होने की वजह से और कांच ऐसा होने की वजह से मुझे कुछ भी नज़र तो नहीं आया। इस पर उस आदमी ने दिनेश को डांटते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं तुम्हें साफ साफ कहकर गया था, चाहे जो भी हो जाए, तुम्हें ना तो अंदर जाना है और ना ही अंदर के किसी भी चीज से मतलब रखना है। फिर ये तुम क्या कर रहे थे? खबरदार जो आज के बाद से ऐसा कभी कुछ करने की कोशिश की तो। और इतना कहकर वो वहां से चाबियां लेकर दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। उसके दरवाजा खोलकर अंदर जाते ही दिनेश के मन की उत्सुकता बढ़ चुकी थी। वो अंदर जाकर देखना चाहता था कि कहीं सच में कोई अंदर बंद तो नहीं जिसके वजह से ये मुझे अंदर जाने को इतना ज़्यादा मना कर रहा है। वो भी चुपके चुपके उस वॉचमैन के पीछे अंदर चला गया। जब वो अंदर गया तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसे काफ़ी अजीब लग रहा था। वहाँ पर ज़्यादा बॉडियाँ नहीं थीं, मुश्किल से 5-6 बॉडी ही वहाँ पर होगी, और वो सारी बॉडीज़ जमीन पर रखी हुई थी, जिसे वो आदमी धीरे धीरे किसी तरीके से उठाकर अंदर वापस बॉक्सेस में डाल रहा था। और ये देखकर दिनेश को काफ़ी अजीब लगा। अब जबकि वो उस मुर्दा घर को देख चुका था, वहाँ पर कोई भी जिंदा इंसान मौजूद नहीं था। दिनेश चुपचाप वहाँ से बिना कुछ बोले निकलकर बाहर आ गया। लेकिन दिनेश के मन में अभी भी काफ़ी सारे सवाल चल रहे थे कि अगर कोई अंदर नहीं था तो रात में वो आवाज़ें कैसे आ रही थीं। दूसरा, बॉडीज जिनको की बॉक्सेस के अंदर होना चाहिए, वो ज़मीन पर क्या कर रही थीं। लेकिन उसके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था और ना ही कोई उसे इन सवालों के जवाब देने वाला था। अब वो वहाँ पर आज रात फिर से पहुँचा और आज रात को फिर से एक बार मॉर्निंग शिफ्ट वाले वॉचमैन ने उसे वही हिदायत दी और वो हिदायत देकर वहाँ से निकल गया। उसके वहाँ से जाने के बाद आज दिनेश पूरे दिन आराम करने के बाद थोड़ा फ्रेश फील कर रहा था, लेकिन रात में जगने की तो आदत अभी भी नहीं हुई थी। आज रात के 1 बजते ही वापस से उसे नींद आने लगी और आज उस कमरे के अंदर से काफ़ी अलग सी आवाज़ें आ रही थीं। लग रहा था जैसे कुछ लोग आपस में बातें कर रहे हों
और फिर वो आवाज़ें साफ साफ सुनने के लिए उसने तुरंत खिड़कियों के पास अपने कानों को कर दिया और वो उन बातों को सुनने की कोशिश करने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे ऐसा लगा जैसे खिड़की के पास कोई चलता हुआ आ रहा है और थोड़ी ही देर में वो खिड़कियाँ खुल गईं। खिड़कियों के खुलते ही कुछ अजीब अजीब से इंसान वहाँ खिड़कियों के पास खड़े थे। वो खिड़कियों के पास से बार बार दिनेश से कुछ खाने को मांग रहे थे। ये देखकर दिनेश को काफ़ी अजीब लगा, उसे काफ़ी हैरानी भी हुई। दिनेश ने उन सब से सवाल किया, आप सब कौन हैं और आप यहाँ पर कैसे आ गए, किसने आपको बंद किया? दिनेश के पास चाबी तो थी लेकिन वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो लोग उसे सामान्य इंसान तो लग नहीं रहे थे और उन लोगों ने दिनेश से लगातार खाने की मांग कर रहे थे। दिनेश ने सोचा, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा लेकिन मैं इनको खिड़की से तो कुछ खाने को दे सकता हूँ ना, पता नहीं कौन है, कब से भूखे हैं बेचारे, मैं क्या करूँ। दिनेश भागकर आसपास दुकान ढूंढने के लिए चला गया। उतनी रात को कोई दुकान कैसे खुली हो सकती थी। फिर भी काफ़ी आगे तक जाने के बाद दिनेश को एक चाय की टपरी खुली हुई मिली। दिनेश वहाँ भाग कर पहुँचा। उसने बिस्किट के 2-3 पैकेट्स खरीदे और वो भाग कर वहाँ से लौट ही रहा था कि तुरंत उस दुकानदार ने दिनेश से सवाल किया, भाई कौन हो तुम और मैंने आज पहली बार तुम्हें इधर देखा है, यहाँ नए आए हो क्या? इस पर दिनेश ने हाँ में सर हिलाया और उसने ये कहा, हाँ मैं यहीं पे इस मुर्दा घर की रखवाली के लिए हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से पलटकर वापस आ ही रहा था कि चाय के टपरी वाले ने वापस से दिनेश को आवाज़ देकर अपने पास बुलाया और कहा, तुम उस मुर्दा घर के बाहर पहरा देने के लिए हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, नाइट शिफ्ट कर रहे हो। इस पर दिनेश ने कहा, हाँ क्यों, क्या हुआ? चाय के टपरी वाले ने दिनेश को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और कहा, तुम्हें मरने के लिए और कोई जगह नहीं मिली, यहाँ क्यों आए हो और ये बिस्किट लेकर कहाँ जा रहे हो? इस पर दिनेश ने कहा, वहाँ पर कुछ लोग आए हैं जिनको भूख लगी है, मैं उनको देने के लिए जा रहा हूँ। इस बार चाय की टपरी वाला कुछ कहता उससे पहले दिनेश वहाँ से तेजी से निकल गया। चाय के टपरी वाले ने अपने सर पर हाथ पीटा और कहा, भगवान अब इस एक को मरने से बचा लेना। और फिर दिनेश इधर भागता हुआ वहाँ मुर्दा घर के बाहर पहुँच चुका था। उस खिड़की पर अभी भी वो लोग इकट्ठा थे। वो बार बार कुछ खाने को दो, कुछ खाने को दो कर रहे थे। दिनेश ने वो बिस्किट के पैकेट्स उनको पकड़ाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने लपक कर दिनेश के हाथ को पकड़ लिया और दिनेश के हाथ को पकड़ते ही उन्होंने दिनेश के हाथ पे नाखूनों के निशान लगा दिए। दिनेश ने जैसे तैसे अपने हाथ को वापस से बाहर खींच तो लिया लेकिन उसके हाथों से काफ़ी खून बह रहा था। दिनेश अब वहाँ से हट चुका था क्योंकि दिनेश को ये चीज़ें नॉर्मल बिल्कुल नहीं लग रही थी। दिनेश चुपचाप जाकर दरवाजे के सामने लगी हुई कुर्सी पर बैठ चुका था। दिनेश के हाथों में काफ़ी दर्द हो रहा था और धीरे धीरे वो दर्द बढ़ता जा रहा था। दिनेश को आज उस दर्द की ही वजह से ना तो झपकी आ रही थी और ना ही नींद। पूरी रात बीत चुकी थी और सुबह के 6 बजे सुबह वाला वॉचमैन आ चुका था। दिनेश ने जब उसको चाबी देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तब उसने दिनेश के हाथों पर निशान देखकर पूछा, ये चोट कैसे लगी? दिनेश ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही खरोचे आ गई हैं। और वो चुपचाप वहाँ से निकलकर जाने लगा। दोपहर तक दिनेश के हाथों का दर्द इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि दिनेश अपने हाथों के जख्म को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास पहुँच गया।
डॉक्टर ने बैंडेज कर दिया, खाने के लिए कुछ पेन किलर्स भी दिए, लेकिन शाम तक उसका दर्द काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। फिर भी दिनेश आज अपने काम पर आया था और रोज़ की तरह सुबह वाले वॉचमैन ने चाबी और हिदायत दी और वहाँ से चला गया। आज रात दिनेश को कोई आवाज़ें सुनाई नहीं दी, ना ही उसे नींद आई। आज तो ऐसा लग रहा था जैसे दिनेश को सालों से ये शिफ्ट करने की आदत हो। दिनेश आज काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था जब तक वो वहाँ उस मुर्दा घर के बाहर बैठा हुआ था। सुबह वो वहाँ से तब चला गया जब मॉर्निंग शिफ्ट वाला वॉचमैन आया। ऐसे ही करते करते लगभग एक हफ्ते बीत चुके थे। इस एक हफ्ते में दिनेश के साथ कुछ अजीब चीज़ें होने लगी थी। दिनेश जब जब दिन में अपने घर पर होता तब उसे अपने ज़ख्म में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता, उससे लगातार खून बहता, और जब वो मुर्दा घर के पास होता तब ना तो उसके ज़ख्म में कोई दर्द होता और ना ही खून बहता। इस बीच वो दो बार और डॉक्टर के पास जाकर आ चुका था। डॉक्टर ने दवाइयाँ बदल दी, मलहम पट्टी भी दोबारा से की, लेकिन ये सिलसिला पूरे हफ्ते भर चलता रहा। दिनेश अब इस चीज़ से काफ़ी परेशान हो चुका था। आज रात की ड्यूटी करने के बाद दिनेश ने जब सुबह वाले वॉचमैन को चाबियां दी तब अपने मन की बात उसे बता दी। उसने कहा, भाई मुझे तुमसे कुछ पूछना है। उस वॉचमैन ने कहा, हाँ पूछो। दिनेश ने कहा, मुझे यहाँ पर काफ़ी अजीब लगता था, आवाज़ें सुनाई देती थी लेकिन अब कुछ नहीं सुनाई देता। आखिरी दिन मेरे साथ कुछ हुआ था जो मैंने तुम्हें बताया नहीं था। इस पर उस वॉचमैन ने कहा, क्या हुआ था? खिड़की से किसी ने खाने को मांगा और तुमने उसे जब खाने को दिया तो उसने तुम्हारे हाथ पर ये निशान लगा दिए। ये सुनते ही दिनेश के तो होश उड़ गए। उसने कहा, ये सब तुम्हें कैसे पता? मैंने तो तुम्हें नहीं बताया। उस वॉचमैन ने हंसते हुए कहा, इसमें कोई नई बात नहीं है, और अगर ऐसा हो चुका है तो तुम्हारे पास अब वक्त काफ़ी कम बचा है। तुम यहीं पर दोनों शिफ्ट करो, या फिर अगर अपने लिए कोई पंडित, तांत्रिक, मौलवी, किसी की मदद ला सकते हो तो लाओ। ये बात सुनकर दिनेश को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने तुरंत सवाल पूछा, तुम क्या बोलना चाहते हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है, साफ साफ बताओ। इस पर उस वॉचमैन ने बताया, ये कोई आम मुर्दा घर नहीं है, और तुम एक बात बताओ, तुमने पहले दिन ही मेरे पीछे पीछे आकर देखा था ना कि लाशें ज़मीन पर थीं। तुम्हें ये नहीं समझ में आया कि जो लाशें बॉक्सेस में होनी चाहिए वो ज़मीन पर कैसे आ गई? दिनेश को बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने तो ये सारी चीज़ें छुप छुपा कर की थी, ये इसे कैसे पता चली? फिर उस वॉचमैन ने अपनी बात को आगे कहा, तुमको मैंने साफ साफ मना किया था, तुम्हारी जगह ये है, तुम्हें यहीं बैठना है, ना तो अंदर जाना है और ना ही कुछ भी और करने की ज़रूरत है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने वही किया जो कि इससे पहले कई लोगों ने गलती की है। इस पर दिनेश ने कहा, क्या गलती? मैंने ऐसा क्या किया? वो लोग भूखे थे, वो मुझसे खाना मांग रहे थे और मैंने उनको बिस्किट लाकर दिया। उस वॉचमैन ने तुरंत कहा, तुमने बिस्किट लाकर दिया, उन लोगों ने बिस्किट लिया क्या? इस पर दिनेश ने थोड़ा सोचते हुए जवाब दिया, नहीं, उन लोगों ने बिस्किट के पैकेट्स नीचे गिरा दिए, उल्टा मेरे हाथों को पकड़कर ऐसा लग रहा था जैसे मुझे ही खाना चाहते हैं। इस पर उस वॉचमैन ने अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, सही तो है, तुम ही तो हो उनका खाना। इस पर दिनेश को काफ़ी बड़ा झटका लगा। उसने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा, मैं हूँ उनका खाना? दिनेश को उस वॉचमैन ने आगे की बात बताई। उसने कहा, तुम्हें पता है
ये जो मुर्दा घर है ये एक कब्रिस्तान पर बना हुआ है और यहाँ पर अब इसीलिए कोई लाशें आती ही नहीं है। ये लाशें भी उन लोगों की हैं जो यहाँ पर वॉचमैन का काम करने आए थे। उनकी गलती बस यही थी कि वो भी ऐसे अंदर पड़े लोगों को खाना खिलाना चाहते थे। यहाँ इस मुर्दा घर की एक खासियत है कि यहाँ पर जो भी लाशें लाई जाती हैं वो रात में जिंदा हो जाती हैं और उन्हें खाना चाहिए होता है। उनका खाना होता है जिंदा इंसान। और ऐसे ही यहाँ पर तुम्हारे जैसे लाए हुए नाइट शिफ्ट के कितने सारे वॉचमैन आए और इन लोगों का गलती से खाना बन गए। उनमें से कुछ ने तुम्हारे जैसी गलती की और कुछ ने अंदर जाने की गलती की। जिन्होंने अंदर जाने की गलती की उनके तो ना मांस का पता चला और ना हड्डियों का, लेकिन जिन्होंने तुम्हारे जैसे बाहर से खाना खिलाने की कोशिश की उनके साथ ये चीज़ें कुछ दिनों में हुई। ये जख्म धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खोखला बना देगा और तुम खुद आखिरी दिन पर, मतलब चोट लगने वाले दिन से एक महीने बाद उस मुर्दा घर में चले जाओगे और वो सब तुम्हें नोच नोच कर खा कर अपनी तरह बना देंगे। अगर इनसे बचना चाहते हो तो तुरंत अपने जानकार किसी पंडित, तांत्रिक, किसी के भी पास जाओ, शायद कोई तुम्हारी मदद कर दे और तुम्हारी ज़िंदगी बच जाए। ये सारी बातें सुनकर अब दिनेश तुरंत अपने दोस्त के पास पहुंचा और उसने शुरू से लेकर आखिर तक सारी बातें अपने दोस्त को बता दी। दोस्त ने भी उसका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। वो तुरंत अपने जानने वाले वहाँ पास में एक मंदिर के पंडित जी के पास उसे लेकर गया और पंडित जी को सारी बातें उन दोनों ने बता दी। जब पंडित जी ने वो बातें सुनी तो उन्होंने कहा, बेटा वो वॉचमैन बिल्कुल सही कह रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। तुम भी यहाँ पर नए आए हो इसलिए शायद तुम्हें उस मुर्दा घर के इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उस मुर्दा घर को बनाने के बाद वहाँ से हटाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वहाँ जो कब्रिस्तान था उनकी आत्माएं, उस मुर्दा घर में आई हुई लाशों की आत्माओं ने उस जगह को अब इस तरीके से शापित कर दिया है कि वो मुर्दा घर अब किसी भी हालत में वहाँ से हटाया नहीं जा सकता और उस जगह से लोग दूर रहें, बचे रहें, इस वजह से वहाँ पर नाइट वॉचमैन को रखा जाता है। लेकिन जब भी नाइट वॉचमैन को रखा जाता है हर बार आधी अधूरी जानकारी के वजह से वो नाइट वॉचमैन भी उस जगह की बलि चढ़ जाते हैं। फिर पंडित जी ने दिनेश के हाथ को देखा और देखकर उन्होंने कहा, अच्छा हुआ तुम सही समय पर आ गए हो, अभी ये चीज़ तुम पर ज़्यादा हावी नहीं हुई है। इस पर दिनेश और उसके दोस्त ने खुश होकर एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, पंडित जी अब आप ही मेरी जान बचा सकते हैं। और पंडित जी ने ये कहा, हाँ तुम चिंता मत करो। पंडित जी ने तुरंत उसके घाव पर भगवान के चरणों से लाकर सिंदूर लगा दिया और वो सिंदूर उस घाव पर लगाते ही घाव का और सिंदूर का दोनों का रंग बदल चुका था। थोड़ी ही देर में दिनेश दर्द से चिल्लाने लगा, छटपटाने लगा। वो जिस तरीके से चिल्ला रहा था, छटपटा रहा था, लग रहा था अभी ही उसकी जान चली जाएगी। थोड़ी ही देर में उसका घाव सूख कर पूरी तरह से गायब हो गया, ऐसे जैसे वहाँ पर कभी कोई जख्म था ही नहीं। और पंडित जी ने उसे तुरंत भगवान के सामने झुककर प्रणाम करने को कहा और वहीं मंदिर में बैठकर एक बार दुर्गा चालीसा का पाठ करने को कहा। फिर माता रानी के चरणों से टीका उठाकर उसके सर पर टीका लगाया, उसके हाथों में रक्षा सूत्र बांधा
और कहा, बेटा तुम्हें एक बात का खास करके ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने तुम्हारा छुटकारा तो करवा दिया है, लेकिन तुम गलती से भी अब उस मुर्दा घर के पास भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर तुम जाओगे तो तुम पर उन आत्माओं का अब दुगनी तेजी से असर हो सकता है। इस वजह से तुम अब वो नौकरी छोड़कर कोई दूसरी नौकरी पकड़ लो। दिनेश ने भी इस बात को माना और वो एक हफ्ते तक अपने दोस्त के साथ उसी कमरे में रहा और उसके दोस्त ने भी उसके लिए दूसरी कम पैसे वाली लेकिन अच्छी और सुरक्षित नौकरी ढूंढ दी। उसके बाद दिनेश की जिंदगी में ऐसा कभी कुछ दोबारा नहीं हुआ और उसने कुछ समय बाद ही अपनी बहन की शादी और बाकी की जिम्मेदारियां सब अच्छे से पूरी कर दी। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारी इन कहानियों को शेयर करें ताकि मेरी थोड़ी सी मदद हो पाए। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा आपकी होस्ट आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।